भरत चक्रवर्ती। हे रत्नत्रय विधाता, आज रात्रि मैंने भय उत्पन्न करने वाले 16 स्वप्न देखे। इसका क्या अर्थ है बताइए मुझे। घोड़े पर हाथी चढ़ रहा है, इसका फल है कि पंचम काल में साधु तप से डरेंगे, वे असमर्थ रहेंगे। हंस को कौवे सता रहे हैं, इसका फल है कि सज्जन लोगों को दुर्जन लोग कष्ट देंगे। दो बकरे सूखे पत्ते का सेवन कर रहे हैं, इस स्वप्न का फल है कि क्षत्रियों का नाश होगा और शूद्र राज्य करेंगे। भूत प्रेत नाच रहे हैं, इस स्वप्न का फल है कि अज्ञानी भूत आदि व्यंतरों की पूजा जिनेंद्र के समान करेंगे। कुत्ता पूजन द्रव्य खा रहा है, इसका फल है कि पंचम काल में कुपात्र पात्र के समान आदर पावेंगे। हाथी पर बंदर बैठा है, इसका अर्थ है उत्कृष्ट लोगों पर निकृष्ट लोग राज्य करेंगे। सरोवर के मध्य में सूखा और किनारों पर जल भरा है, इसका फल है उत्तम तीर्थों में धर्म का अभाव होगा और हीन स्थानों में धर्म रहेगा। रत्न राशि धूलि में लिप्त दिखना, इसका फल है कि पंचम काल में शुक्ल ध्यानी नहीं होंगे, धर्म थोड़ा ही रहेगा। एक तरुण बैल देखना, इसका फल है कि तरुण अवस्था में ही धर्म पलेगा, वृद्धावस्था में अरुचि रहेगी। शाखा सहित चंद्रमा देखना, इसका फल है कि पंचम काल में अवधि एवं मनःपरीय ज्ञानी मुनि नहीं होंगे। बैल दहाड़ रहा है, इसका फल है पंचम काल में मुनि एकल बिहारी स्वच्छंद आचरण करेंगे। सूर्य मेघों से घिरा है, इसका फल है कि पंचम काल में मुनियों को केवल ज्ञान नहीं होगा। पत्ते रहित सूखा वृक्ष देखना, इसका फल है कि पंचम काल के मनुष्य शील व्रत धारण करके भी कुशील आचरण करेंगे। सूखे जीर्ण पत्ते देखना, इसका फल है कि पंचम काल में अन्न व औषधियां नीरस होंगी। हे भव्य, तुम पूर्व से ही छायिक सम्यक्त्व लेकर आए हो, तुम दीक्षा लेते ही शीघ्र ही कर्म काट कर केवल ज्ञान को प्राप्त करोगे।